गंदा पानी, तैरता कूड़ा, ये कोई नाला नहीं बल्कि गुजरात का अहमदाबाद शहर है। ये पानी भरा है मार्केट एरिया के बेसमेंट में, जहां लोगों की गाड़ियों के साथ साथ दुकानें भी डूब गई हैं। अब लोग यहां से पानी निकालने की व्यवस्था खुद कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि पानी की निकासी का उपाय प्रशासन की तरफ से किया जाता। हालत ये है कि अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को इधर से उधर जाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हर तरफ बस पानी ही पानी है। बहुत पानी भरा हुआ है और बहुत सारे टू व्हीलर्स आप देख सकते हो कितने सारे खराब हो गए, बंद हो गए। लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है आने जाने में। तो गवर्नमेंट मस्ट डू फॉर दिस रोड्स एंड दिस वाटर। इतने कम रेन में भी कितना पानी भर गया है। जहाँ तक मानसून की बात है तो गुजरात में तो अभी इसकी शुरुआत है, और गुजरात में ही जिस तरह की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, उससे जनता बेहद परेशान है। मदद की उम्मीद में जनता सरकार और प्रशासन की तरफ देख रही है। अब ये ही तस्वीरें देखिए कि इस पानी में अगर किसी की स्कूटी, बाइक या गाड़ी बंद हो गई तो समझो उसे इस पानी में ही उतरना पड़ेगा। हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है। हम अभी दिक्कत इतना हो रहा है कि हम हमारे जॉब पे जा नहीं सकते। पूरा हमारा व्हीकल जो है वो भी बंद हो गया है, उसमें भी पानी घुस गया है। आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही है। सब हमारे से पीछे पूरे व्हीकल, कार से लेके बाइक से लेके सब बंद पड़े हुए हैं। बारिश हो या जगह जगह पानी भरे, लोगों को घरों से तो निकलना ही पड़ेगा। अहमदाबाद के शहर का ये मंजर सभी को परेशान करने वाला है। ये है गुजरात का एक और शहर वलसाड। यहाँ के हालात और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश का हाल ये है कि लोगों की दुकानों में पानी भर गया और दुकानों में रखा सामान पानी के साथ ही बह गया। इधर कम से कम 60 से 70 दुकान है, अनाज करियाना मतलब सब वैरायटी आ जाती है। कैटल फीड आ जाता है, अनाज चावल ये करियाना सब दुकान इधर है, 60-70 दुकान है। कम से कम मेरे हिसाब से अभी तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता है, लेकिन कल सब दुकान वापस खोलेंगे। अंदर जितना अनाज का बोरी है, कितना फटा है, मेरे हिसाब से अंदाज से 1.5-2 करोड़ का नुकसान होगा। ये हालात वलसाड़ में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से तो है ही, साथ में समंदर में ज्वार आने की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। लोगों के घर पानी में डूब गए थे। आलम ये था कि लोग अपने अपने घरों में ही फंसे रह गए, जिसके बाद इन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ ने राहत कार्य को अंजाम दिया और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। गुजरात के नवसारी में नदी का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। गुजरात में भारी बारिश से जिस तरह के हालात बने हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।